लेकिन मजा तब है जब दुनिया गए कि यार क्या बात है। मैं वैसे जाती तौर पे आजकल मुसलसल पढ़ रहा हूँ वैदिक आर्यंस के बारे में, चनकिया के बारे में, अशोका के बारे में, चंद्रगुप्ता के बारे में। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट आर माय हेरिटेज एंड यू नो उसमें। तो कभी फरमाते हैं कि मैंने पाकिस्तान की सारी हिकड़ी निकाल कर उसको आटे की लाइनों में खड़ा कर दिया है। मोदी साहब, दे हैव टेकन इंडिया टू दिस नेक्स्ट लेवल एज अ रीजनल सुपर पावर, दे कैन प्ले अ रोल एज अ पीस कीपर इन द एरिया इन द रीजन। पाकिस्तान के वजीर आजम जो है वो सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं और वहां पे वो क्वेश्चन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं अमेरिका से, सऊदी अरब से, कि हमें जो है वो मदद करें। देखिए ना, मेरे तो आइडेंटिटी क्राइसिस है, मैं तो अभी तक उसी को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ 76 सालों से। उसको ओवरकम करूंगा तो फिर कुछ मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। जी, भारत के जो कोस्ट गार्ड है उन्होंने जी गुजरात के साहिल पर एक बोट जो है, एक कश्ती जो है पाकिस्तान की, उसको पकड़ा है। 600 करोड़ रुपए की जो है वो ड्रग्स उसके अंदर थी। इंडिया का तो वजीर आजम जाता है तो वो कहता है जी IMF में हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे, वो कहता है जी हम इतनी वैक्सीन देंगे। तो फिर जब आप एक मांगने वाला वजीर आजम हो और एक देने वाला वजीर आजम हो तो दुनिया ने फिर डिफरेंस तो करना है। नमस्कार दोस्तों, बस हर पाकिस्तानी को पता है कि उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस है लेकिन कोई खुलकर नहीं बोलता। पहले जब वो 1947 के बाद वो खुद उन्होंने खुद को अरब के साथ मतलब कि कंपेयर किया कि भाई हम जो है वो आपके भाई भाई है, मुसलमान मुसलमान भाई होते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अरब कंट्रीज ने तो दिखा दिया कि भाई देखिए तुम लोग जो हो कन्वर्ट होकर बने हो, आप जो नेचुरली आप कुछ नहीं हो तो मेहरबानी करके हमारे साथ कंपेयर मत कीजिए। उसके बाद पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों ने टर्क के साथ खुद को कंपेयर किया लेकिन वहां पर भी सिचुएशन मैटर नहीं की, मतलब कि ठीक नहीं हुई, उन्होंने भी मना कर दिया। लेकिन सबको पता है कि उनके उनके जो बाप दादा है कहां से आते हैं, सबका यहां पर इंडियन हिस्ट्री है। अगर 4-5 पीढ़ी से पहले देख लो तो वो संबित पात्रा कहते थे ना कि भाई उनके फादर भी किशन लाल ही थे, लेकिन वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। लेकिन यहां पर साजिद तरार साहब बता रहे हैं कि मैं आजकल पढ़ रहा हूं आर्यन थियरी, उसके बाद जो इंडियन बड़े बड़े लोग हो गए जैसे कि मौर्य अंपायर हो गया, चाणक्य हो गया, अच्छी बात है। और अगर मान लीजिए पाकिस्तान में बदलाव आता है तो बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूले। TTP से तो बचा लो अपने आप को यार, फलस्तीन तो बहुत दूर की बात, कैसी बातें करते। ये मैं खुद पंजाबी हूं आरजू, हम लड़ने वाले बच्चे नहीं है, हम तो पार्टी लोग हैं, पार्टी। हम तो, मैंने आपको बताया था मेरी बीमारी क्या है। मेरी बीमारी, मैं सुबह उठता हूं मैं कहता हूं अरबी हूं मैं, मेरा नाम साजिद है, मैं तो अरबी हूं। दोपहर को कहता हूं नहीं तो मैं तो अब्दाली का रिश्तेदार हूं यार, मैं तो अफगानी भाईजान है, मैं उनका रिश्तेदार हूं। शाम को कहता हूं यार एंजॉय करें पार्टी यार, गाना लगाओ सिद्धू मूसे वाले का, साथ ही में महाराजा रणजीत सिंह का रिश्तेदार बन जाता हूं। देखे ना, मेरे तो आइडेंटिटी क्राइसिस है, मैं तो अभी तक उसी को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं 76 सालों से। उसको ओवरकम करूंगा तो फिर कुछ मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। मैं वैसे जाती तौर पे आजकल मुसलसल पढ़ रहा हूं वैदिक आर्यंस के बारे में, चनकिया के बारे में, अशोका के बारे में, चंद्रगुप्ता के बारे में। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट आर माय हेरिटेज एंड यू नो उसमें, और खासकर देखने वालों को भी, और उसमें बताता रहा हूं। मुझे पता है कई लोग उसमें मुझे गालियां देंगे, नफरत, लेकिन आई डोंट केयर अबाउट इट। मैं आई हैव गॉन अबव इट मैटर ऑफ, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूं कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि वैदिक आर्यंस के बारे में पढ़ रहा हूं, वैदिक बुक्स के बारे में, संस्कृत के बारे में, और चंद्रगुप्ता और टेस्ला यूनिवर्सिटी के बारे में, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, ये सारी चीजें पढ़ रहा हूं। इंडस रिवर के बारे में, दो सिविलाइजेशन इस एरिया के अंदर जो थी, इंडस सिविलाइजेशन और गंगा जमुना सिविलाइजेशन, दरियाओं के साथ। आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च, और बल्कि मैं अगली दफा भारत में मई में फिर जा रहा हूं, और आई एम प्लानिंग टू गो टू लॉट ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस टू ट्रेस माई हेरिटेज एंड और उसमें फील करना जाके मैं इस सारी सिविलाइजेशन के हवाले से। और मैं जिस तरह मैंने बताया कि आरजू के मैं उस स्टेज पे पहुंच चुका हूँ, इसमें सारे खित्ते को अपना घर समझता हूँ, फ्रॉम पाकिस्तान एंड भारत, और बल्कि बांग्लादेश भी उसका हिस्सा, मैं उसको भी यही समझता हूँ।
उसी को, वो भी सारा दिस इज व्हाट वाज वन। मैं बल्कि मेरी ख्वाहिश है मैं गाड़ी रेंट करके पूरे भारत का बाय रोड सारा चक्कर लगाऊं और उसके जाके खित्ते खित्ते को देखूं, अपने लोगों से मिलूं। आपको मैंने शायद बताया नहीं था आपको, मेरे लास्ट नेम का एक गांव बिहार के अंदर गांव है और वो सारे मेरे मुझे सारे चाचा बुलाते हैं, कुमामा बुलाते हैं, सारे लास्ट नेम है, सारे हिंदू हैं। मैं मेरा वादा है उनसे जाके मिलूंगा, सेलिब्रेट दिवाली और वन काइंड ऑफ फंक्शन विद देम। वो मैं जाना चाहता हूँ, मैं उस खित्ते सारे खित्ते को जाके चूमना चाहता हूँ रोड पे जाके, और दिस इज व्हाट माय डिजायर इज, आई फील लाइक होम। मैंने आपको बताया था कि मुझे पाकिस्तान से भी इतना प्यार नहीं मिलता जितना मुझे भारत से मिला, बिल्कुल ऐसा है, और मैं उसको सेलिब्रेट करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ एंड वैल्यू इट। बिल्कुल ऐसे ही सर, मुझे भी वहां से बहुत प्यार मिलता है, इतना पाकिस्तान से नहीं मिलता जितना भारत से मिलता है। लेकिन इतनी देर में कुछ लोगों ने पाकिस्तान से ट्रेड शुरू भी कर दी, और कैसे कर दी, और ये भी बात है कि भारत को भी इस बारे में पता लग गया, तो भारत को ये बात पता लग गई और हमारे से ट्रेड शुरू हो गई, वो कैसे, मैं आपको बता रही हूँ ना, सबर किया करें जरा। जी हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि ये पिक्चर भी जो आप देख रहे हैं, कहा ये जा रहा है कि जी भारत के जो कोस्ट गार्ड हैं उन्होंने जी गुजरात के साहिल पर एक बोट जो है, कश्ती जो है पाकिस्तान की, उसको पकड़ा है और उसके अंदर से तकरीबन 6 करोड़ रुपए, जी हाँ 600 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए क्या होते, कुछ भी नहीं होते, 600 करोड़ रुपए की जो है वो ड्रग्स उसके अंदर थी, और उसी में जो है वो तकरीबन कितने लोग बताए जा रहे, 14 के करीब लोग उस बोट में थे, ये जो आपको नजर आ रहे हैं काउंट कर लीजिए खुद ही कितने निकले, 2-4 ज्यादा ही निकलेंगे, कम नहीं होंगे 14 से। जी हाँ, 14 के करीब लोग जो है वो अरेस्ट किए गए हैं, वो ड्रग्स जो है उसको कब्जे में लिया गया है भारत की पुलिस की तरफ से, और अब डिटेल्स देखते हैं कि जैसे जैसे डिटेल्स आएंगे हम आपको बताएंगे। लेकिन भाई पाकिस्तानियों मतलब क्या कर रहे हो, अभी तो हमारी बातचीत ही चल रही थी और आप लोग मतलब ड्रग्स लेके पहुंच भी गए, ड्रग्स ले लो वाले, तो नहीं ऐसा नहीं होता, अभी इतनी जल्दी आप लोगों ने ड्रग्स लेके नहीं जानी थी, अभी पहले उनको हाथ तो करने दीजिए कि ट्रेड करनी है और फिर हम सोचेंगे कि हमने क्या भेजना है। लेकिन बस हमारे यहाँ इतने उतावले बैठे हुए ना कि मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग उतावले ज्यादा हैं कि बावले ज्यादा हैं, कि अभी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे भारत से बात करनी है, भारत हमें ओके करेगा तो हम जाएंगे ना कोई चीज लेकर, मतलब जो भी ले जाना है आप लोगों ने मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इतना क्या उतावलापन है कि अभी हमने बात भी नहीं की, अभी हम आपस में ही बातें कर रहे हैं कि नहीं भारत के साथ ट्रेड करनी है, भारत के साथ ट्रेड दोबारा शुरू करना है, भारत के साथ बिजनेस करना है, कि आप लोग जो है वो 600 करोड़ के जो है ड्रग्स लेके पहुंच गए और वो भी इतने मतलब एक्टिव बैठे हुए थे भारत की तरफ से लोग, कि उन्होंने धड़ पकड़ लिया इन लोगों को। अब देखते हैं कि इनमें से जो 14 लोग पकड़े गए हैं, बहरहाल बोट पाकिस्तान की बताई जा रही है, हो सकते हैं कि वो हमारे यहाँ बनी हो वो बोट और अंदर उसके कोई और ही कंट्री के लोग बैठे हो, वैसे शक्लों से तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कौन सी कंट्री की, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया या कैनेडा या बेल्जियम वगैरह के लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने ड्रेस पाकिस्तानी पहना हुआ हो, तो हो सकता है। लेकिन खैर ये तो तभी पता लगेगा जब भारत का मीडिया या भारत के लोग हमें थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कि आखिर ये लोग कौन सी कंट्री के, बोट हमारी होने से ये सामान हमारा नहीं हो जाता। वैसे भी पाकिस्तान में ये आपको मालूम ही होगा कि हमारी परंपरा है कि अगर आपके घर से सोना निकल आए, आपके घर में से अगर हीरे निकल आए या कोई इस तरह का ऑयल निकल आए, तो जी वो सामान जो होता है ना वो हम कह देते हैं, यानी गवर्नमेंट कह देती है कि वो सब चीजें जो गवर्नमेंट की हैं। लेकिन अगर आपके घर से ड्रग्स निकल आए, हथियार निकल आए, बॉम्ब निकल आए, तो वो सामान आपका ही होता है। हमारे पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये कितना प्रॉब्लमेटिक है पाकिस्तान के डिफेंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली अगर आपको याद हो कि उन्होंने कहा जी कि हमसे एक मिसाइल छूट गया था और वो पाकिस्तान के किसी इलाके में चला गया, एंड देन हमने ये कहा कि हमने महसूस किया कि हमारे एयर सिस्टम के अंदर वो मिसाइल आया, हमने उसको देखा और वो देखा वो गिर गया हमारे मुल्क के अंदर, हम उसे रोक नहीं सके या कुछ कर नहीं सके। ये कितना खतरनाक है पाकिस्तान के लिए कि उन्होंने ड्रोन्स भी लगा दिए हैं विच आर वॉचिंग अस, S-400 भी उन्होंने लगाया हुआ है, और देन ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वो टेस्ट भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड इन ऑल दिस, और क्या हम कोई इंडिजिनियसली को वर्क कर रहे हैं क्योंकि मिसाइल डिफेंस सिस्टम के वाले से या चाइना के साथ मिलके कुछ ऐसा काम हो रहा है, या हाउ डू यू सी आर वी वल्नरेबल और नॉट ऑन दिस? वल्नरेबिलिटी तो है, म्यूचुअल वल्नरेबिलिटी आई वुड से, इंडिया और पाकिस्तान दोनों वल्नरेबल है, और वो वल्नरेबिलिटी की वजह से ही डिटरेंस ज्यादा स्ट्रेंथन होती है। अब ये जब हम बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का, इसके कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस भी हैं,
इसको कुछ रिएक्शन टाइम चाहिए होता है मिसाइल डिफेंस सिस्टम को। टेक्निकली अगर हम देखें जो मॉब्स का मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, ये होती क्या चीज है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है और इसमें यह होता है कि एक डिलीवरी सिस्टम के ऊपर आप नंबर ऑफ वॉर हेड्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो जो री एंट्री होती है जब वो आप लॉन्च करते हैं री एंट्री है, तो वो वॉर हेड्स जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट डिस्टेंसेस पे वो जाके अपने अपने टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। तो ये मर्व की टेक्नोलॉजी का एक है। ये टेक्नोलॉजी अभी तक बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। जो मेजर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट खासे घबराए हुए हैं अग्नि 5 टेस्ट को लेके। अग्नि 5 टेस्ट परसों हुआ था, सबको पता है, काफी बार टेस्ट हो चुका, काफी बार इस पर डिस्कशन हो चुका। लेकिन एक चीज कि पाकिस्तान इतना अंदर से घबराए हुए, पाकिस्तानी आर्मी के लोग भी अब ये बोलने लगे हैं, रिटायर्ड तो बोल ही रहे ऑफकोर्स, सर्विंग जो है उनकी जिनसे बात हुई वो भी बोल रहे हैं कि यार न्यूक्लियर टेस्ट तक ठीक था, अग्नि 5 जो एक मिसाइल है उसका जवाब नहीं है पाकिस्तान के हाथ में, और कब तक हम चाइना की गोद में बैठे रहेंगे, कुछ हमें करना चाहिए, क्योंकि ये मिसाइल ब्रह्मास्त्र है, ये ऐसी मिसाइल है जो हमें जिसको जिसका जवाब देने में हमारी पसीने छूट जाएंगे। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र साहब। कर्नल शैलेंद्र साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं और एक लंबे अरसे से भारत माता की सेवा में। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर नमस्कार, जय हिंद। पाकिस्तान के हाथ में अग्नि 5 का कोई जवाब नहीं है ये तो एनालिस्ट ही बोल रहे हैं, ऐसा क्या कि पाकिस्तान घबराया हुआ है? पाकिस्तान एनालिस्ट के पास जवाब नहीं है, मुझे तो ये नहीं समझ आया, मैंने तो सवाल ही नहीं पूछा था उनसे। अग्नि 5 मेरी वो लकीर है जो मैंने अपने लिए लंबी खींची है। मुझे तो समझ नहीं आया कि क्यों अपने आप को इंसल्ट कर रहे हो, एक्सपोज कर रहे हो, इनकॉम्पिटेंसी दिखा रहे हो, ये बोलकर कि आप अग्नि 5 के बारे में हमसे बात भी कर पाओगे, ये इंसल्ट नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज एनालिसिस। हमने तो पूछा ही नहीं था कभी भी पाकिस्तान से। पाकिस्तान के एनालिस्ट तकलीफ में इसलिए हैं क्योंकि उनकी इक्विवेलेंट टेक्नोलॉजिकल फेलियर बार बार हो गया है, टू द एक्सटेंट कि उनकी इसी तरह की जो मिसाइल जब वो टेस्टिंग स्टेज पे कुछ करना चाह रहे थे तो वो उन्हीं के यहां गिर गई और लोग भी मर गए थे। ये रिकॉर्ड पर है, उनसे ही पूछ लीजिएगा, वो अपने आप बता देंगे। अब क्योंकि अगर पाकिस्तानी आज सच बोलने पर उतर आए हैं कि हमारे पास इसका जवाब नहीं है, आई होप लाइक हेल कि दे विल बी ऑनेस्ट और बताएंगे। अब आगे बात कि वो घबराहट क्यों है। देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान जब से पैदा हुआ है उसे आदत है कि किसी की गोद में खेलना है। पहले यूएस की गोद थी, F-16 आ जाते थे, सैटेलाइट इमेजरी आ जाती थी, वो आपका 7th फ्लीट आ जाता था जरूरत पड़ने पर, आदत है, पैसा भी आता था, रसद सामग्री भी आती थी। जैसे ही वहां से हटे चाइना आ गया तो उन्हें लगा कि आज भी हम टेररिज्म रिलेटेड न्यूसेंस इरिटेंट इंडिया फोर्सेस के लिए खड़ी करके रखेंगे, जबकि हमारी स्ट्रैटेजिक डिफेंस जो उनकी अपनी स्ट्रैटेजिक डिफेंस है वो चाइना कैटर फॉर कर लेगा। क्यों? क्योंकि चाइना के हर उस स्ट्रैटेजिक टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके उस सिटीज जो उसकी इकोनॉमिक सेंटर्स हैं, वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। हम फ्रंट फ्रंट की वॉर लड़ लेंगे, 1000 किलोमीटर की लड़ लेंगे, 2000 किलोमीटर की लड़, ऐसा पाकिस्तान का असेसमेंट था कि हम कहीं नहीं ठहरते। और वो आज भी ये बोलते हैं कि आपने अग्नि 5 करके पाकिस्तान चाइना से पंगा ले लिया। आई मेट प्राइम मिनिस्टर मोदी यस्टरडे, अ पर्सन आई रिगार्ड एज माय ओल्डर ब्रदर प्राइम मिनिस्टर मोदी। इन तस्वीरों को देखने के बाद चीन के होश फाख्ता हो सकते हैं। एक बड़ा सरप्राइजिंग सा नोट है जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद भूटान जाने की बात कर रहे हैं नेक्स्ट वीक। मैं ये जानना चाहता हूँ भाई, तो फिर मत बोलो किसी से, चुप रहो। भूटान के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने पहली विदेश यात्रा के लिए भारत का चयन किया। तो दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में ये सिर्फ कंट्रीज की अब फाइट नहीं है, अब ये अलाइज की फाइट है। Now, Bhutan's Prime Minister received a warm welcome from the Indian Prime Minister. चीन तड़प रहा है,
और उसके पता ही नहीं चल रहा कि सामने कौन खड़ा है। इट वॉज अ वेरी वेरी वार्म सॉर्ट ऑफ अ मीटिंग, जैसे ये दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हो। ये इस्तेमाल हो सकते हैं कि आपके अपोनेंट को शिकस्त देने के लिए। क्रेजी। जो सबसे स्ट्रॉन्ग इस वक्त एक ब्लॉक नजर आ रहा है वो यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका यानी वेस्ट, इंडिया और कुछ और कंट्रीज जो हैं वो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी एक पोजीशन ले चुके हैं। उसके दौरे में चीन को ऐसी भड़क लगी है कि मैं बता नहीं सकता हूं, और चीन ने विरोध जताया। मुलाकात के दौरान की ये तस्वीरें जो दिल खोल के दोनों नेता एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, ये तस्वीरें चीन के लिए चिंता की लकीरें खींच सकती है। नमस्कार दोस्तों, अब आपको याद होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में जो ये गलवान वाली सिचुएशन हुई थी उसमें भूटान वाला एंगल बहुत बढ़िया था, अगर आपको याद हो। अब उसमें देखिए, सिर्फ चाइना ऐसा नहीं कि इंडिया की जमीन क्लेम कर रहा है, पैसे तो वो वियतनाम और फिलीपींस और वहां पर भी जो जो सी बाउंड्री है, दरियाई बाउंड्री है, उसको भी क्लेम करता है अलग लेवल से। लेकिन अगर आप देखो तो भूटान का भी वो कुछ पार्ट जो है वो क्लेम करते हैं। तो जब गलवान वाली सिचुएशन हुई ना, तब इंडिया इतना अफेक्टेड नहीं था, वो भूटान वाली सिचुएशन थी। लेकिन हम सबको पता था कि भूटान की रक्षा करना हमारे लिए जरूरी है, और इसीलिए हमने ये कदम उठाया। उसके बाद झड़प हुई, इंडिया के कुछ जो सैनिक थे वो शहीद हुए, और पाकिस्तान के हमने तकरीबन 40 से 45 सैनिकों को ठोक दिया। अब वो डेमोक्रेटिक कंट्री तो है नहीं जो बाहर आके बताएगा कि भाई कितनी डेथ हुई थी या फिर उसके कितने सैनिक, मतलब समझ सकते हैं आप। तो सिचुएशन ये है यहाँ पर कि जब भूटान के पीएम या फिर कहे कि भूटान की लीडरशिप जब इंडिया में आती है और इस टाइप के स्टेटमेंट देती है, तो चाइना को डेफिनेटली बुरा लगता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूले। प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान इज हियर एंड भूटान के प्राइम मिनिस्टर के साथ पीएम मोदी की भी मीटिंग्स हुई है। सम वेरी इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स हैव हैपेंड एंड एक बड़ा सरप्राइजिंग सा नोट है जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद भूटान जाने की बात कर रहे हैं नेक्स्ट वीक। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम, क्योंकि देखिए रीजन नेबरहुड में, जैसे मैं काफी फोकस रखता हूँ, नेबरहुड के अंदर काफी चर्न है इस टाइम पे इंडिया चाइना रिलेशंस के बीच में। एंड कहीं ना कहीं बोथ दोनों कंट्रीज, दोनों देश एक दूसरे के पीछे टग ऑफ वॉर के चक्कर में पड़े हुए हैं कि कौन किसको किस जगह पे बीट कर सकता है। मालदीव्स के अंदर आपको पता है मैं काफी कवर करता हूँ उसके बारे में, व्हाट इज द गेम। एंड नाउ देर इज ऑल्सो अनदर वन विच इज स्टार्टिंग अप इन भूटान, और ये अभी का गेम नहीं है, दिस इज एन ओल्डर गेम, सो इट्स नॉट समथिंग दैट शुड सरप्राइज अस। ये एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है भारत का, एंड स्पेशली विद रिगार्ड्स टू इंडिया चाइना रिलेशंस, एंड एज वेल एज अभी धीरे धीरे जैसे उभर के आ रहा है रीजनल एरिया के अंदर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए भारत की जो मूव हुई है भूटान के साथ, लेट्स टॉक अबाउट दैट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान हिज एक्सीलेंसी दाशो तेशिंग तोगबे, एंड ही हैज कम, बड़े यंग से वेरी एनर्जेटिक पर्सन इनके, आपने कल मैंने लेक्चर सुना इनका फिक्की में जो दिया था, वेरी वेरी एनर्जेटिक लेक्चर, यू नो, एंड वेरी वेरी एनर्जेटिक पर्सन एज अ मैटर फैक्ट। इनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी सबसे पहले जब प्राइम मिनिस्टर से मिले, वेरी पॉजिटिव, इट वॉज मोर देन जस्ट अ हैंड शेक, इट वॉज लिटरली अ जप्पी। मोदी साहब की जादू की जप्पी तो सबको पता ही है, सो दैट इज वॉट वॉज देयर, एंड इट वॉज अ वेरी वेरी वार्म सॉर्ट ऑफ अ मीटिंग, जैसे ये दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हों। That was very interesting to note, और इसके बारे में मैंने ट्वीट भी करा था कि the body language is very, 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 you know, very warm and very positive. लेकिन मोदी जी हैं, मोदी जी भी हमारे दुश्मन देश को सीधे तरीके से बोल रहे हैं, पंगा मत लेना नहीं तो खत्म कर दूंगा। अब खबर क्या है? खबर यह है कि चीन तड़प रहा है और उसके पता ही नहीं चल रहा कि सामने कौन खड़ा है। उसे ये समझ नहीं आ रही कि ये नेहरू का भारत नहीं है, ये मोदी का है, और मोदी ने भी सेला सुरंग बना दी और दिव्यास्त्र, उसकी पूरी डिटेल दूंगा आपको, वो बना दिया और साफ साफ संदेश दे दिया, मेरे से पंगा मत लेना, मतलब कि मेरे भारत से पंगा मत लेना, नहीं तो तुम्हें ये समझ नहीं आएगा कि सांस कहां से लेना है और हवा कहां से निकालनी है। हुआ क्या था, अब इसकी डिटेल में जाते हैं। आज एक समाचार आया कि 9 मार्च को एक समाचार आया
कि भारत में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश, वही अरुणाचल प्रदेश जहां पर राहुल गांधी जाने से भी घबराता है क्योंकि चाइना नाराज हो जाएगा, मोदी जी अरुणाचल प्रदेश में चले गए और उसके दौरे में चीन को ऐसी भड़क लगी है कि मैं बता नहीं सकता हूं। और चीन ने विरोध जताया और चीन ने क्या बोला है कि भाई जो उसका विदेश मंत्रालय है उसके प्रवक्ता वांग, सारे वांग ही होते हैं वहां पे, पता नहीं क्या चक्कर है, उन्होंने कहा कि जेगनान जो अरुणाचल प्रदेश का नाम चाइना ने रखा है क्योंकि तो चाइना बोलता है कि अरुणाचल उसे बिलोंग करता है, भाई वो उसकी हिम्मत कैसे होती है क्योंकि राहुल गांधी ने पहले ही लिखकर दे दिया है चाइना को, मुझे प्रधानमंत्री बना दो अरुणाचल प्रदेश में, आपको दे दूंगा, मेरे कौन से बाप की जगह है, ले जाओगे तो ले जाओगे, मेरे नाना ने भी आपको दे दी थी, मैं भी दे दूंगा। अब भारत वहां की स्थिति में बदलाव कर रहा है, ये चाइना बोल रहा है कि आप यहां पर टनल्स बना रहे हो, सड़कें बना रहे हो, ये जगह मुझे बिलोंग करती है, आप ऐसे काम मत कीजिए। और इससे जो सीमा का जो अपना मामला है, मैं सीमा हैदर की बात नहीं कर रहा बल्कि जो अपना बॉर्डर चाइना के साथ लगता है उसका जो मसला है वो और भी ज्यादा जटिल हो जाएगा। ये कौन बोल रहा है? चाइना बोल रहा है भारत को। और जो जिनपिंग है वो अपने साथ MOU साइन की हुई कांग्रेस के साथ मिलकर जितना मर्जी षड्यंत्र रच ले, लेकिन उसे एक बात समझ लेनी चाहिए कि सामने अब ना तो नेहरू है और ना चाइना से खौफ खाने वाली मनमोहन सिंह की सरकार है, बल्कि उसके सामने आंख में आंख डालकर बात करने वाला मोदी है। और अरुणाचल प्रदेश किसी के बाप की जागीर नहीं है जो हलवा समझ के तुम खा लोगे चाइना वालों। अब आपको एक चार बात समझनी चाहिए कि चाइना की इतनी हिम्मत बनती कैसे है। ये जब कांग्रेस की सरकार थी उनके रक्षा मंत्री थे AK एंटनी, उन्होंने संसद में कहा था कि हम चीन की सीमा पर सड़कें जानबूझकर नहीं बनाते क्योंकि उससे हमें डर लगता है और हमें डर है कि चीन चाइनीज सेना उन सड़कों से ही भारत में घुस सकती है। लेकिन जिस तेजी में बढ़ रहा है और जितनी उसकी आबादी है, अगर इसी स्पीड में बढ़ते रहे, इंडिया ने GST कलेक्शन में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। GST कलेक्शन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पहली बार 2,00,000 करोड़ के पार GST कलेक्शन, अप्रैल में 12.4% की उछाल के साथ 2.10 लाख करोड़ पहुंचा। जो नए लोग आए हैं जिनमें अडानी का नाम है, खैर अंबानी तो इससे काफी पहले थे लेकिन अंबानी भी पुरानों के मुकाबले में नए हैं, बिरलाज और टाटाज जो थे, ये खास तौर पे वो लोग हैं, मसलन ये दोनों गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में जितना लोग रेगुलरली और ईमानदारी के साथ टैक्स देते हैं उनके गवर्नमेंट भी उसी ईमानदारी के साथ वो टैक्स का पैसा उस मुल्क की डेवलपमेंट पर लगाती है। कि तकरीबन कल भी हम बात कर रहे थे कि 20-22 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने दूसरा दौरा किया है सऊदी अरब का। प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन एंड डेट ट्रैप, आई कॉल इट डेथ ट्रैप, जो को रोशन ख्याली पे मबनी हो, वो इंडिया की जो मिडिल क्लास का बहुत बड़ा सेक्शन है अब वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को सपोर्ट कर रहा है। इंडिया जो है उसके पास तमाम राइट इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि किसी भी इन्वेस्टर को चाहिए होती है। पाकिस्तान जो है ये टोटली जो है करप्ट है और टैक्स पूरा पे नहीं करते जिसकी वजह से पाकिस्तान डेवलपिंग बहुत पीछे है ना। लेकिन ये किसी भी मुल्क की जो बिजनेस पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी है, जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, जो फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं। नमस्कार दोस्तों, जब GST की शुरुआत हुई थी, GST कलेक्शन की, तब जो था वो 1,00,000 करोड़ के आसपास शुरुआत, कुछ 50,000, 60,000, 70,000 के आसपास हुई थी। लेकिन जब पहली बार 1,00,000 करोड़ के आसपास जब GST पहुंच गया, कलेक्शन पहुंच गया, तब देश के कई सारे लोग शॉक में थे, इतने बड़े लेवल का टैक्स। और उसके बाद आज सिचुएशन ऐसी है कि उसके बाद नए नए रिकॉर्ड बनते गए, 1,20,000, 1,50,000। आज सिचुएशन ऐसी है कि भारत का जो GST कलेक्शन है वो 2,00,000 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है।
और तब जाकर हम ये सारी चीजें देख पा रहे हैं, जैसे कि कई सारे एक्सप्रेसवे अनाउंस कर दिए गए हैं, उसमें कई सारे एक्सप्रेसवे जो छोटे मतलब कुछ 50-60 या फिर कुछ 100-200 किलोमीटर वाले हैं, वो कई सारे खत्म भी हो चुके हैं और कई सारे एक्सप्रेसवे का काम अभी भी चल रहा है। यूपी जिसको हम सबसे अजीब प्रकार से देखा करते थे, आज वहीं सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, कई सारे खत्म भी हो चुके हैं और कई सारे बन भी रहे हैं। अखिलेश यादव जो था वो एक एक्सप्रेसवे पर अपनी गुमान किया करता था, आज वहां पर लाइनें लगी है एक्सप्रेसवे की, और यही डिस्कस यहां पर मतलब कि पाक मीडिया में हो रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूले। जीएसटी कलेक्शन में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है, एक टैक्स के सिस्टम ने पूरे भारत को एक कर दिया है। 2017 में इंडिया में जीएसटी लगाया गया था, एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था जिसका नाम था वन नेशन वन टैक्स, जिसका फायदा ये हुआ कि चीजों की कीमतों में कमी होगी और टैक्स का दायरा कार भी बढ़ गया। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जितना लोग रेगुलरली और ईमानदारी के साथ टैक्स देते हैं, उनकी गवर्नमेंट भी उसी ईमानदारी के साथ वो टैक्स का पैसा उस मुल्क की डेवलपमेंट पर लगाती है। लेकिन जैसा कि आपने खुद ही कहा कि यहाँ पर टैक्स के निज़ाम की चोरी भी है, लोग देते भी नहीं है, और फिर हमें इस बात का यकीन भी नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट उसे हम पे अप्लाई भी कर रही है तो या नहीं, तो क्या कहेंगे टैक्स के निज़ाम का बेहतर होना किसी कंट्री के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? देखें जी, हम हमेशा से जो चीज़ पढ़ते भी हैं और हमें इस चीज़ का शऊर भी होना चाहिए, एक घर के बजट में और एक मुल्क के बजट में दो वाजे जो फ़र्क हैं वो ये होते हैं कि हम अपने घर के लिए जब हमने कोई चीज़ बनानी है, अपने घर के लिए हमने कोई चीज़ लेट से हमने घर की रेनोवेशन करवानी है, लेट से कोई गाड़ी खरीदनी है, ये दो बड़े खर्चे बताए हैं, बिकॉज आज भी पाकिस्तान में गाड़ी खरीदना और घर बनाना ये दो बड़े खर्चे हैं। तो इसके लिए हम पहले एक चीज़ माइंड में लेके आते हैं, फिर उसके हिसाब से हम पैसे बचाना शुरू करते हैं। हम बचा लेते हैं पैसे और उसके बाद जितने बन जाते हैं उसके हिसाब से हम एक्सपेंस लगा लेते हैं। एक गवर्नमेंट इस किस्म का काम नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ने अगर एक पुल बनाना है, हम तो ये कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारे पास सारे खर्चे करने के बाद थोड़े कम पैसे बच गए हैं तो हो सकता है हम सेकंड स्टोरी ना बनाएं, हम उसको थोड़ा सा छोटा बना लें, एक कमरा ना बनाएं, वो बाद में बना लें। लेकिन जब ये काम बजट में दिखाना है, जब एक टेलीवाइज करना है एक चीज़ को, तो हमको वो चीज़ 100% बतानी पड़ती है कि हम ये काम करेंगे। जब वो काम पूरा नहीं होता तो एक जनरल पब्लिक का बंदा है उसका उठ के कहना बनता है कि हमारी गवर्नमेंट ने जैसा हमसे प्रॉमिस किया था वो नहीं किया। हम बहुत आसानी से अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर लेते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें कहा था कि हम ये काम करेंगे लेकिन हमने वो नहीं किया। पूछे बंदा कि गवर्नमेंट ने फैक्ट्रियां तो नहीं लगाई हुई, गवर्नमेंट ने कोई बिजनेस तो नहीं किया हुआ, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं करती हमारी तरह, तो वो पैसा कहाँ से लाए? वो पैसा लाती है हमारी इनकम से। कैश में एक्सपेंसेस करना किसी भी बिजनेस के लिए, पहले तो रूल था कि तकरीबन कोई 50,000 से ऊपर जो हेड बन जाता था अकाउंटिंग हेड तो उसको अलार्मिंग कह लेते थे, उसमें 25,000 से ऊपर की शायद जो ट्रांजेक्शन थी उन पे FBR देखता था कि ये क्यों हुई हैं, कैश में क्यों हुई हैं, कैश में हुई हैं तो ये हम आपको अलाउ नहीं कर सकते इसको। लेकिन अब बात यह है कि जब उस चीज़ से निकलना आसान हो गया है, क्योंकि तो पता लग रहा है कि हाँ भाई हम टैक्स नहीं देते, एक चेन इफेक्ट है, हम टैक्स नहीं देते, कॉन्सिक्वेंटली गवर्नमेंट के पास पैसे इकट्ठे नहीं होते, कॉन्सिक्वेंटली गवर्नमेंट वो एक्सपेंडिचर्स नहीं कर सकती जिसका उसने वादा किया था, और फिर हम उसके बाद कहते हैं कि गवर्नमेंट ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो हम टैक्स नहीं देते। बात करें हमारे हमसाय मुल्क इंडिया की, जिसने रिकॉर्ड काम कर दिया जीएसटी कलेक्शन में, तो वहाँ पे 2017 में टैक्स का निज़ाम जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया था, एक नया सिस्टम जो है वो आवाम के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसका नाम ये दिया गया था वन नेशन वन टैक्स, जिसने पूरे भारत को एक कर दिया। अब आप देखें कि अगर इंडिया की एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई चीज़ जानी होती है तो उस पर एक ही दफ़ा टैक्स लगता है, जिसकी वजह से चीज़ों की कीमतें ना तो ज़्यादा बढ़ती हैं और दूसरा टैक्स का दायरा कार जो है वो भी बढ़ गया। देखिए, टैक्स का दायरा कार अगर बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ मसाइल की बिना पे टैक्स का दायरा कार हमें छोटा करना पड़ा है। आप गिलगित बल्तिस्तान को देख लें, आप कश्मीर वाली जगह को देख लें, वहाँ पर कुछ ट्रीटीज़ की बिना पे हम वहाँ से टैक्स इकट्ठा उस तरीके से नहीं कर सकते। हम इस चीज़ को देखें कि हम पैसा इकट्ठा करके हम उस जगह लगाते हैं जो कि चीज़ नज़र आती है, जैसे कि पंजाब,
हम यहाँ पर टैक्स इकट्ठा करके तो यहाँ पर लगाना हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से कभी एक बंदा ट्रिप ले कराची की तरफ, सिंध की तरफ एक बंदा ट्रिप ले, उसको अंदाजा हो जाएगा कि हमारा पैसा उस तरीके से बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता जिस तरीके से पंजाब में किया जाता है। एंड इट्स अ वेरी वेरी सैडनिंग थिंग बिकॉज एक मुल्क का हमने इसको दर्जा दिया ही नहीं हुआ। यहाँ से आज बलोचिस्तान पंजाब से बंदा चला जाए, वापस जिंदा आना मुश्किल है। तो ये चीज़ हमने कॉन्सेप्ट इसका अपने अपने बच्चों में डाला ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस की, एक तो कितने बहुत फुकदान है यहाँ पे। यहाँ पर देखा जाता है कि मेरा काम हो जाए, जब तक बंदा खुद को छोड़ के एक एक दफ़ा उस नज़रिए को नहीं लेके चलता जिस नज़रिए पर पाकिस्तान बनाया गया था, तो फिर हम तो वहीं के वहीं रह जाते हैं कि पाकिस्तान तो बन गया था, वो तो पाकिस्तान बना हुआ है। हमने कहते हैं 14 अगस्त भी मना लेते हैं हर दफ़ा, और 14 अगस्त मनाने का भी हमारा एक यूनिक सा तरीका है। मेरे ख्याल से शायद पूरी दुनिया में कहीं इंडिपेंडेंस अपने बाइक का सलेंसर उतार के नहीं मनाई जाती, यहाँ पर वो भी किया जाता है। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आज़ाद हुए, आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है, और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। कौमी असेंबली में मौलाना फजलुर रहमान साहब का खिताब बहुत ज्यादा जेरे बहस है, इस वजह से कि उन्होंने दो टोक बात की है। तो उसमें पाकिस्तान अगर टैक्स नेट नहीं बढ़ा पाएगा, टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो आप जिक्र कर रही हैं वो नहीं बढ़ाएगा, तो पाकिस्तान का यकीनन दिवालिया निकल जाएगा, क्योंकि और कर्जा लेने को नहीं है पाकिस्तान के बैंकों के पास, हुकूमत ने तकरीबन सारा ही ले लिया हुआ। भारत की एक स्टेट जो है वो पूरे पाकिस्तान से ज्यादा टैक्सेस देती है। एक आपको याद है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक जब हुई थी और जब वो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई थी पार्लियामेंट में जो आर्मी चीफ ने दी थी। मौलाना फजल रहमान का जारहाना रवैया एस्टैब्लिशमेंट के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? -8% है महंगाई, -8% ये हमारे पड़ोस में, और श्रीलंका में जहाँ 2 साल पहले दिवालिया निकल गया था और 60% तक महंगाई की थी, तो 2 साल के अंदर अंदर वो 0.9% पे ले आए, यानी 1% पे। तो आखिरकार यहाँ पर क्या वजह है कि ये नहीं नीचे आ रही? अगर हमें यूरोपियन यूनियन और अमेरिका हमारी मदद ना करे तो हम ये सारी की सारी सिचुएशन में बिल्कुल, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो अब तो इमरजेंसी किस्म की नाफज हो गई है ना, कि चीजें अपनी इतनी बुरी हालात हो गए पाकिस्तान के कि हम दिवालिया के अभी भी धारे पे खड़े हैं। या बाकी ममालक जो हैं अगर उनसे हमने क्या डीलिंग करनी है, वीलिंग करनी है, इंडिया से कैसे करनी है? सो हमारी, हमने ये दो मुल्कों की कहानी है, ठीक है जी, दोनों मुल्कों ने इकट्ठा ही सफर शुरू किया था। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान को ये 2014 के बाद वाला भारत जो है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है। उनको वही भारत पसंद है जो 2014 पहले वाला था, कि अगर उस पर कोई हमला हो जाता है तो कुछ नहीं बोलता है। अगर मान लीजिए कि इंटरनेशनल किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर इसके साथ कोई बुरा व्यवहार होता है तो कुछ नहीं बोलता है, मतलब बस वही भारत उनको पसंद आता है जो एकदम शांत रहे। लेकिन 2014 के बाद भारत की वो सिचुएशन हुई है कि भारत अग्रेसर हो चुका है, भारत जो है वो तेजी से अपना ग्रोथ कर रहा है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, और पाकिस्तान से खास करके पाकिस्तान से जो उसने अपनी दूरी बनाई है, मतलब कि जो ग्रोथ की बात है, इतना ज्यादा जो है इंडिया आगे बढ़ चुका है कि सिचुएशन ये हो गई है कि पाकिस्तान को अब ऐसा लग रहा है कि भाई इंडिया बहुत आगे जा चुका है और खुद आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन कैसे भी करके ये वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया पीछे आ जाए। अब यहां पर भी यही बात हो रही है कि भाई इंडिया जो है वो हम जो अभी यहीं पड़े हुए हैं और इंडिया सुपर पावर बन रहा है। और दूसरी बात, कमर चीमा ये भी बता रहा है कि भाई इंडिया का सिर्फ एक स्टेट पूरे पाकिस्तान से ज्यादा टैक्स पे करता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूले। सो हमें इस चीज से देखना है कि हमारे लोग क्यों, हम भारत की मिसाल तो देते हैं, भारत की मिसाल तो हम भाग के दे देंगे कि जी भारत के अंदर देखें वो टैक्स दे रहे हैं 2,00,000 करोड़ जी महाराष्ट्र दे रहे जी, ठीक है, वहां पे इतनी बड़े पैमाने पे एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है जी। सो वो वहां पे क्या सिचुएशन है और पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है, ये नहीं है कि यहाँ पे पैसा नहीं है। $1 trillion की इकोनॉमी है, $1 trillion की इकोनॉमी। अभी हम लोग आजकल पाकिस्तान के अंदर एक बहस चल रही है और वो ये बहस है कि अगर अब हमने अपनी स्टेट को ना बचाया तो हम कभी भी नहीं बचा पाएंगे। सो हमारी, हमने ये दो मुल्कों की कहानी है, ठीक है जी,
दोनों मुल्कों ने इकट्ठा ही सफर शुरू किया था, कोई दोनों मुल्कों ने कोई ऐसा कोई बहुत बड़े रिजर्व्स तो नहीं मिले। हम ये जरूर कहते हैं, पाकिस्तान ये कहता है कि जी जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो उस वक्त हमें एसेट्स नहीं मिले थे, ये नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद भाई बहुत कुछ हुआ है। हमारे यहाँ फवाज भी ने भी डायरेक्ट रूल किया है, डेमोक्रेट्स भी आए हैं, सारा कुछ ही हुआ है, लेकिन अभी आप देखें कि वो कहाँ खड़े हुए हैं। अभी मैं देख रहा था पाकिस्तान के जो फॉरेन प्राइम मिनिस्टर हैं वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे बैठे हुए बात कर रहे थे, यकीन करके माने वो जिस अंदाज से बात कर रहे थे कि उस पूरे पैनल के अंदर उनके प्रोफाइल का कोई बंदा भी नहीं था। वो प्राइम मिनिस्टर थे और बाकी जो लोग थे, कोई फॉरेन मिनिस्टर था, कोई कुछ था, किसी कंपनी का हेड था, कोई गेट्स फाउंडेशन के हेड थे। मतलब आप देखें कि डॉक्टर जयशंकर को म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है तो उसके मुकाबले में जर्मन एंड अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर एंड फॉरेन सेक्रेटरी बैठे होते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाता है तो वहां पे कौन बैठा होता है? उनके पाए के लोग ही नहीं होते। और वो कह रहे थे, वो वहां पे आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हमारे वजीर आजम यही कह रहे थे कि हमारी बिजली बड़ी चोरी हो रही है, हम इनएफिशिएंट हैं, हम डिलीवर नहीं कर पा रहे, हमारा जो है ग्लोबल वार्मिंग में हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारी वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, हमारे ऊपर डेट्स हैं। मतलब जो चीजें उनको पूछनी चाहिए, क्यों डेट्स हैं, क्यों ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग में मतलब आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, ये तो इंसल्ट है। मतलब कि आपकी इंडस्ट्री इतनी जोगी भी नहीं है। देखें अमेरिकन इंडियंस बाकी जो दुनिया के ममालिक हैं वो कह रहे हैं जी कि हमारा तो कॉन्ट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग में, इट मीन्स हमारे पास इंडस्ट्री है। हम कहते हैं जी हमारे तो कॉन्ट्रीब्यूशन ही कोई नहीं है, इट मीन्स कि हमारे पास तो इंडस्ट्री कोई नहीं है। That's what we say. So हमें हम दुनिया को जाके अपनी नालायकियां बताते हैं और फिर कहते हैं कि इसके ऊपर हमें दो। उन्होंने कहना था भाई साहब आप भी तो पहले 1.5 साल वजीर आजम थे, आप 10 साल वजीर आला रहे हैं, आपके भाई वजीर आजम रहे हैं, आप यू आर अ मैन विद पावर, यू आर अ मैन विद रिसोर्सेज, यू आर अ मैन विद आइडियाज, यू हैव पीपल ऑन बोर्ड हु कैन टेल यू, एक्सप्लेन यू किधर जाना है, क्या करना है, ठीक है जी। सो ये चीजें जो हैं ये हमें चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए बजाय इसके कि हम कंप्लेन करते रहें, ठीक है जी। इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठी स्ट्रगल की थी। इंदिरा गांधी की अगर आपको याद हो एक स्लोगन होता था गरीबी हटाओ, और उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो, ये जो मौजूदा हमारे फॉरेन मिनिस्टर, साबक फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी के जो नाना थे, ग्रैंडफादर, ही यूज टू से रोटी कपड़ा और मकान। इंदिरा गांधी कहती थी गरीबी हटाओ, ठीक है जी, मतलब दे शुड बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इस तरीके से एक्सप्लेन उसको डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि सबके पास हो। सो हमने भी बड़ी कोशिशें की लेकिन हम आज तक नहीं कर सके। पाकिस्तान में कभी कोशिश की जाती है नेशनलाइजेशन की, बैंकिंग सिस्टम को देख लें, बाकी चीज़ों को देख लें। सो ये चीज़ें हमारे सामने हैं। इंडिया ने भी बहुत सारी कोशिशें की लेकिन इंडियन लोग इस सेंस में सिंसेयर थे कि उन लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन नहीं की। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन की और आज भी पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की डेली वायोलेशन हो रही है। एज लॉन्ग एज या आप पकड़े ना जाएं या आप इतने ताकतवर हों, अगर आप ताकतवर हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन की लॉ की वायलेशन करें, नो प्रॉब्लम। अगर आप कमजोर हैं सारे का सारा कानून आपके ऊपर लग जाएगा। दो हम मैं और मेरा दोस्त एक जगह हम गए, देर वॉज अ प्लेस जहाँ पे दो किस्म के लोगों की थी। सो वो थोड़ा ऑफिसर था, मैं आम आदमी था, तो दोनों हम की अलग-अलग एंट्री थी, मेरी एंट्री उसके साथ थी और कुछ लोग और भी वहाँ एंटर हो रहे थे। तो मुझे कहता है ये देखो ये हैं दो पाकिस्तान, यहाँ से दो पाकिस्तान शुरू हो जाते हैं। मतलब एक बहुत बड़ी लाइन है, लोग पैदल चल के आ रहे हैं और एक जगह से गाड़ियाँ अंदर जा रही हैं। आप जाके जिस जगह पे जाना है वहाँ पे गाड़ी पार्क करो एंड गेट इनटू दैट प्लेस। ये दो पाकिस्तान है। सो मतलब हर कोई इसका मतलब देख रहा होता है। मेरा भी दिल करेगा मेरी एक्सेस हो और बंदे का भी दिल हो, जिसकी एक्सेस है वो प्रिविलेज्ड है।